There are two military bands on parade today. They are the Indian Military Academy Band and the Bengal Engineer Center Band. They are being conducted by Subedar Major Kuldeepak Singh of the Indian Military Academy Band. माननीय अतिथिगण, अब निरीक्षण अधिकारी परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसी के साथ कदम से कदम मिलाकर ये परेड अब अंतिम पग पर है, यानी कि समाप्ति पे है। फिजिकल ट्रेनिंग यहां पर होती है, आर्म ट्रेनिंग यहां पर होती है, और उसके बाद ये जाकर भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन जाते हैं। सैन्य अधिकारी देता है, वो सैन्य अधिकारी जो पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली मजबूत होते हैं, जो भारतीय सेना में काम करते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं और देश की बॉर्डरों पर जो है मौजूद रहते हैं। इनकी ये पहला मौका है जब पीपिंग सेरेमनी बिल्कुल बदली हुई है। बदली हुई क्यों है हम आपको बताते हैं कि हर वक्त जब सेना के ये अधिकारी बनते हैं, जो ये कैडेट जेंटलमैन कैडेट जब अधिकारी बनते हैं, तो इनके परिवार के लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन पहला मौका है जब परिवार के लोग मौजूद नहीं है और इनके कंधों पर स्टार लगाने के लिए परिवार से कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सेना जो है वो पूरा एक परिवार है, तो उस परिवार में अगर हम आपको बताएं तो जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं पहले से, उन्हीं के जो है परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और वो लोग आज जो है इनके कंधों पर स्टार लगा रहे हैं। एक अलग सा जज्बा होता है, एक अधिकारी जब बनते हैं, ये लोग अपनी एक कड़ी परिश्रम के साथ जो मेहनत करते हैं, उसके बाद जब ये अधिकारी बनते हैं तो अपने आप में इनके लिए एक गौरव का क्षण होता है। लेकिन जिस तरह से हम दिखाएं आपको कि ये देखिए पहला मौका इस तरह से, जब जो है इस तरह से यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनके ही परिवार के लोग यहाँ पर इनके कंधों पर स्टार लगा रहे हैं, पहला मौका है सर। मतलब पूरे साल ही जब मेहनत करते इतने साल, और उसके बाद सोचते हैं कि परिवार के लोग आएंगे, उनके कंधों पर जो है स्टार लगाएंगे, लेकिन इस बार नहीं आ पाए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि सेना एक परिवार है, उसका ही उदाहरण यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। किस तरह आप किस तरह से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें भी, कि पहली बार हम उनके पेरेंट बन रहे हैं और ये हमारे बच्चे की तरह हमने मतलब हर चीज़ उनको सिखाई है, उनसे सुख दुख में बांटा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी हमारे एक फैमिली मेंबर हो रखे हैं सर। क्योंकि आप जरूर, आप भी यहीं से पास आउट हुए होंगे, आपके टाइम आपके परिवार रहा होगा, आपके पिताजी आए होंगे या माताजी आए होंगे, लेकिन आज जिस तरह से ये कैडेट हैं, इनके घर से कोई नहीं आया, आप किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? ये हमारे लिए भी एक बहुत ही गौरव का अनुभव है कि आज हमें ये करने का मौका मिल रहा है। तो इनके माता पिता के ना होने की वजह से आज इनके माता पिता का किरदार भी हम निभा रहे हैं। कल तक ये हमारे शिष्य थे, आज से हमारे भाई हुए, और इनका इस नए जीवन में जो शुरुआत है वो भी हमने ही की है, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आपको दिखाएंगे किस तरह से कैडेट है यहाँ पर, एक हमारे साथ एक मौजूद भी है। पहला मौका है इस तरह के कि परिवार के लोग नहीं आए, आप अपने घर वालों को जरूर मिस कर रहे होंगे, कैसा अभी किस तरह का अनुभव है आपका? बहुत खुशी हो रही है, लाइफ में इतना बड़ा आज सक्सेस मिला है, ऑल थैंक्स टू गॉड, तो भगवान की कृपा से और माँ बाप के आशीर्वाद से आज सक्सेस मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। मिस कर रहे हैं घर वालों को? जी बिल्कुल नहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे ऑफिसर्स ही हमारी माता पिता बन चुके हैं, तो घर वालों की याद तो खैर आएगी, लेकिन अभी मिस नहीं कर रहे उन्हें। I feel, as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army of the Union of India, and go wherever ordered, by land, sea, or air.
I'll observe and obey. देवी और सज्जन, ये युवा अधिकारी जिन्होंने कुछ ही क्षण पूर्व देश की सुरक्षा एवं अपराधक पतन की हमसे है, they will start that journey today with the first step, the pehla kadam. If you look to your left and right, you will see the gentlemen cadets of the second term standing along towards their destiny. अभी तो इस बास की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का अंत. It is always with a sense of pride and nostalgia that we come to the Indian Military Academy, which has been the alma mater for us too. And whenever we come here and see how much progress it has made over the years, how much it has matured, yet how it has adapted to the times, it always gives us a great feeling and a sense of pride that we belong to such a fine institution. Today, more than 400 cadets have graduated and been commissioned, 333 gentlemen cadets into the Indian Army, and 90 from friendly foreign countries, from as far away as Fiji and Papua New Guinea in the east, to Maldives in the west, along the oceans, and as far as from Vietnam, Sri Lanka, Bhutan, Afghanistan, and up north, up to Tajikistan, as far as our land borders are concerned. We wish all of them all the very best, and I'm sure that they will rise up to the expectations and the trust that is reposed on them.